गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आप लोगों के सब्जेक्ट हिंदी का लेसन 7 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है, दो आपकी लघु कविताएं दी गई हैं, छोटी छोटी कविताएं दी गई हैं जो आपके मौसम पर हैं। इस समय जैसे आपकी कौन सा मौसम आ रहा है, जाड़े यानी ठंडी का मौसम आ रहा, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, जाड़े के दिन यानी ठंडी के दिन के बारे में बताया है। बंद बंद खिड़कियों किवाड़ों के दिन, लो फिर से आ गए जाड़ों के दिन। क्या कह रहा है, जैसे देखिए ठंडियों में हम क्या करते हैं, अपने दरवाजे और खिड़कियां क्या कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं जिससे हमें ठंडी ना लगे। तो लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ, इसके कवि ये कह रहे हैं कि ठंडी के दिन हम लोग अपने जो दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देते हैं, और फिर से किसका दिन आ गया है आपके, जाड़े यानी ठंडियों का दिन आ गया। बर्फ का बदन चेहरा धूप का, वाह वाह जवाब नहीं रूप का, कंबल और रजाई की आड़ों के दिन, लो फिर से आ गए जाड़ों के दिन। क्या कहते हैं कि बर्फ का बदन यानी हम लोगों का शरीर बिल्कुल ठंडी के समय क्या हो जाता है, बर्फ का हो जाता है, ठंडा सा हो जाता है, और चेहरा धूप का। हम लोग क्या करते हैं, जब बर्फ से ठंडे हो जाते हैं तो ठंडी के दिनों में धूप को ढूंढ कर बैठे। देखिए, गर्मी के मौसम में हम लोग धूप से भागते हैं, लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है तो उसी धूप को हम लोग ढूंढ ढूंढ कर उसके पास जाके बैठते हैं। और कंबल और रजाई, देखिए उस समय हम क्या करते हैं, ओढ़ने के लिए कंबल और रजाइयों के क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं ओढ़ने के लिए। और लो फिर से कौन सा दिन आ गया आपके, जाड़ों का दिन आ गया। सूरजमुखियों जैसे फूल लगे कमरों के बाहर, स्कूल लगे, धूप सेकते ठिठुरे तारों के दिन, लो फिर से आ गए जाड़े के दिन। देखिए, आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, सूरजमुखियों जैसे जो हमारे बच्चे होते हैं या जो भी आदमी होते हैं, उनके चेहरा किसके जैसे लगते हैं, जैसे सनफ्लावर आपका सूरजमुखी का फूल होता है, उस तरह। और ठंडी के दिनों में आपने देखा है कि हम लोग अपना स्कूल कहाँ लगाते हैं, जब ज़्यादा ठंड का मौसम रहता है तो क्लास से निकलकर ग्राउंड में या बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी रहती है कि हम अंदर बैठकर पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम कमरों से बाहर निकलकर जाते हैं पढ़ने के लिए। और उसमें क्या करते हैं, हम उससे धूप भी ठीक सेकते हैं, और हम जो ठंड के मारे ठिठुरते रहते हैं वो हमारी ठंड भी चले जाते हैं। और तारों के दिन, देखो फिर से क्या आ गया आपके, ठंडी के दिन। बदल गया कोहरे का जायका, क्या कहिए मजा गर्म चाय का, गर्म कोट ऊन के पहाड़ों के दिन, लो आ गए फिर से जाड़ों के दिन। क्या कह रहा है कि देखिए, बदल गया, जब मौसम होता है तो उस समय कैसे रहता है ठंडी में, जैसे कोहरे चारों तरफ से पड़े रहते। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका कोहरा नहीं हटता, आपका धूप 12 बजे 1 बजे भी निकलता नहीं है, थोड़ा सा निकलता है फिर चला जाता, तो उस समय आपके क्या कह रहा है कि चाय का मजा। जब आपका ठंडी चीज़ें रहती तो आपको गर्म चीज़ खाने पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्म कोट, हम उस समय ठंडियों के दिन में क्या करते हैं, अपने गर्म कोट यानी गर्म कपड़े पहनते हैं जो ऊन के रहते हैं। और पहाड़ों के दिन, फिर से क्या आ गए आपके, ठंडी के दिन। नेक्स्ट पेज में देखिए, जो सेकंड कविता है इसकी, तो क्या है, सूरज की दुकान लगी। अब ये ठंडी के बारे में आपको बताया, इसी में ये आपको गर्मी के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। सूरज की दुकान लगी, हर रास्ते हर गली गली सूरज की दुकान लगी, उड़ती मिट्टी लू के चाटे जैसे फंसे गले में काटे, हमें सुराही के ओठों की बस सच्ची मुस्कान लगी, सूरज की दुकान लगी। इस कविता, जो ये आपकी कविता है, इसके कवि का नाम क्या है, श्री सूरभान गुप्त जी हैं। तो सूरभान गुप्त जी क्या बताते हैं कि सूरज की दुकान लगी, मतलब जब गर्मियों के दिन आते हैं तो किस तरह से सूरज की दुकान लगती है, अपने हर रास्ते में हर गली में सूरज की हम दुकान लगी रहती है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो आपके मिट्टी रहती है, धूल रहती है, जब हवा चलती है तो क्या करती है, उड़ जाती है, और उड़ के क्या होती है, लू के जैसे, जब गर्मी में दोपहर में लू चलती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई चाटे मार रहा हो, यानी बहुत तेज से लपट उसकी लगती है, और धूल मिट्टी ऐसे लगता है जैसे हमारे गले में फंस गए हों, जैसे कांटा फंस जाता उसी तरह लगता है कि गले में हमारे खुश फंसे हुए हैं। और हम उस समय क्या ढूंढते हैं, ठंडे पानी।
पानी ढूंढते हैं कि बस ठंडा पानी मिल जाए, और हमारी क्या होती है जब हम ठंडा पानी पीते तब हमें राहत मिलती है और हमारी सही मुस्कान हमारे चेहरे में आती कि हमें गर्मी से कुछ राहत मिली है। और फिर इसी तरह सूरज की दुकान लगती है। सन्नाटे खोले दोपहर ने, दरवाजे मारे हर घर ने, धूप द्रौपदी की साड़ी थी उस कपड़े की थान लगी, सूरज की दुकान लगी। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जब गर्मियों में दोपहर हो जाती तो सब लोग क्या करते हैं, 11 बजे से 11-12 बजे से ज़्यादा धूप होने के कारण अपने दरवाज़ा खिड़की हर घर के क्या कर लेते हैं, वो बंद कर लेते हैं और अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज सी धूप रहती है तो बिल्कुल सन्नाटा लगता है। सन्नाटा मतलब बिल्कुल हर जगह शांति रहती है। और ये क्या बताया कि धूप कैसी है, दोपटी की साड़ी। दोपटी की साड़ी आपने महाभारत में सुना होगा कि चीरहरण में जब दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी वो करता है तो उनकी साड़ी बढ़ती ही जाती है, वो ख़त्म होने का नाप ही नहीं लेती है। उसी तरह क्या कह रहा है कि जैसे सूरज है तो उसकी गर्मी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही, मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही, वो दिनों दिन बढ़ती है। और उस कपड़े की थान लगी, थान मीन्स क्या होता है, जो बधी हुई लंबाई का कपड़े का बड़ा सा टुकड़ा होता है, तो उसी तरह गर्मी बड़े से टुकड़े की तरह आपकी बढ़ती जाती है और सूरज की क्या होती इसी तरह दुकान लग जाती है। हवादार पेड़ों के साए जैसे माँ की इकलौरी गाय, गर्मी बिना बुलाए कोई अनचाहा मेहमान लगी, हर रास्ते हर गली में सूरज की दुकान लगी। जब गर्मी के समय में पेड़ों के मतलब थोड़ी सी हवा चलती है और पेड़ हिलते हैं ना, तो ऐसे लगते हैं कि जैसे मम्मी आप लोगों की लोरी सुनाती तो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह गर्मी के मौसम में जब हवा चलती है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि कितनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है। और जो ये आपका गर्मी का मौसम होता है, जैसे आपके घर में जब आपकी इच्छा ना हो कोई आपका अनचाहा मेहमान आ जाए, यानी बिना बुलाए मेहमान आ जाए, तो आपका सर चढ़ जाता है, उसी तरह ये गर्मी आपकी किसके जैसे लग रही है, बिना बुलाए मेहमान की तरह लगती है रह रही। और इसी तरह सूरज की दुकान लगी। अब इधर देखिए आप, सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना है। जाड़ों में हम क्या करते हैं, चाय भी पीते हैं गर्म कपड़े पहनते हैं, ये दोनों हो जाएगा। लू चलती है गर्मी में, धूप किसकी साड़ी के जैसी है, द्रौपदी की। सही कथन पे सही और गलत का चिन्ह हमें लगाना है। तो जाड़ों में लोग ठिठुरते तथा धूप सेकते हैं, ये आपका सही हो गया। सेकंड है, जाड़ों में ठंडा पेय पिया जाता है, ये आपका गलत है। गर्मी में लू चाटे की तरह लगती है, ये आपका सही है। और गर्मी की दोपहर में बहुत चहल पहल रहती है, ये आपका गलत है, क्योंकि बहुत शांति रहती है, चहल पहल नहीं रहती। रिक्त स्थान को भरिए, ये कविता को देख के आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, सूरजमुखियों जैसे फूल लगे, कमरों के बाहर स्कूल लगे, हमें सुराही के ओंठों की बस सच्ची मुस्कान लगी, हवादार पेड़ों के साए जैसे माँ एक लोरी गाय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, तो इसके आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगी। अब इसमें से आप देखिए भाषा की बात, इसमें संधि की आपकी क्या बताया है, परिभाषा बताई गई है ग्रामर में। तो संधि क्या कहलाती है, जब दो शब्द जुड़कर एक हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, देखिए दो विद्यालय एक शब्द है और इसको अगर हम संधि विच्छेद यानी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। निम्नलिखित शब्दों में हमें ये क्या करना है, जो ये संधि विच्छेद है इसको एक शब्द में बनाना है। तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो जाएगा, देवधन आलय बराबर देवालय हो जाएगा, महाधन आत्मा बराबर महात्मा, शिवधन आत्मा बराबर शिवात्मा हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द उच्चारण में समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रणाम का मतलब क्या होता है, फल होता है, और प्रणाम का मतलब नमस्कार होता है, जबकि ये शब्द हमें ये लगता है कि जैसे एक जैसे हूँ। तो निम्नलिखित शब्दों के हमें अर्थ इसमें लिखना है, समान का बराबर होता है और इस समान का कोई वस्तु होता है, बाहर का खुशियाँ होती हैं, और बाहर मीन्स बाह होता है यानी बाहर जाने वाला बाह होता है, उसका ऊपरी भाग होता है। गृह मीन्स ग्रह होता है, घर होता है, और ग्रह मीन्स क्या होता है, आपका नक्षत्र होता है। देखिए भाषा को बोलते समय कहीं
कम देर तो कहीं अधिक देर रुकना पड़ता है। लिखित भाषा में इन ठहरावों के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये हमें एक इसमें क्या दिया गया है, वाक्यांश दिया गया है, इसमें हमें विराम चिन्ह का यूज करके इसको हमें करना है। तो देखिए हमने इसमें लिखा है अनु देखना बाहर कौन है, माँ ने दरवाजे पर दस्तक सुनकर कहा। अनु ने माँ को बताया यहाँ तो कोई नहीं, क्या आपने कोई आवाज़ सुनी थी, किंतु माँ को बार बार किसी के बाहर होने का आभास हो रहा था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।